वेलकम ऑल, वेलकम टू मूव टू स्टडी। ये हमारे थर्ड वीडियो है। इसके दो पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड प्रेशर चल रहा है। सेलिना पब्लिकेशन की बुक है, कंसाइज फिजिक्स, क्लास 8 के लिए आईसीएसई सिलेबस की। अगर आपने हमारी पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन दो वीडियोस को देख लें। हमने फोर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है और मोमेंट ऑफ फोर्स को डिस्कस किया है और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को डिस्कस किया है। उसमें आपको फोर्स के यूनिट्स के बारे में बताया है। आज आप कमेंट सेक्शन में हमको आंसर करें कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर। आज हम प्रेशर की बात करेंगे। प्रेशर थ्रस्ट, अ फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन अ सरफेस इन एनी डायरेक्शन। इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, द फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। होता क्या है कि फोर्स किसी भी डायरेक्शन में आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सरफेस पे। आप सरफेस पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, वो परपेंडिकुलर हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन पे हो सकती है। लेकिन अगर फोर्स उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। थस द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। एक्टिंग नॉर्मली का मतलब क्या है? अगर फोर्स परपेंडिकुलर आ रही है, यानी 90 डिग्री पे अगर फोर्स आ रही है किसी सरफेस के ऊपर, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वो थ्रस्ट है, वो थ्रस्ट कहलाती है। मान के चलते हैं ये आपका सरफेस है मान लिया, और ये उसका प्लेन है। तो अगर फोर्स इस पर परपेंडिकुलर आ रही है, फोर्स इस पर परपेंडिकुलर आ रही है और ये प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये क्या होगा? ये आपका थ्रस्ट कहलाएगा। फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। अ बॉडी व्हेन प्लेस्ड ऑन अ सरफेस एग्जर्ट अ थ्रस्ट ऑन द सरफेस इक्वल टू इट्स वेट। अगर कोई भी बॉडी किसी सरफेस पे रखी है तो वो उस सरफेस पे उतना ही थ्रस्ट लगाती है जितना उसका खुद का वेट होता है। अगर कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रखी है तो वो उस सरफेस पे थ्रस्ट लगाएगी, यानी प्रेशर लगाएगी, इतना ही प्रेशर लगाएगी जितना उसका खुद का वेट होता है। द यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज सेम एज दैट ऑफ द वेट और फोर्स। थ्रस्ट का भी यूनिट सेम होता है जो फोर्स का यूनिट होता है, और जो वेट का यूनिट होता है वही थ्रस्ट का यूनिट होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे थ्रस्ट का यूनिट क्या होता है। थस द यूनिट ऑफ द थ्रस्ट आर किलोग्राम, केजीएफ, ग्राम फोर्स एंड न्यूटन। बेसिकली मैं खुद ही बता दे रहा हूँ, तीन तरह के यूनिट होते हैं। फोर्स का यूनिट आपका न्यूटन होता है, ये आपका क्या है? एसआई यूनिट है। इसको हम लोग केजीएफ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जब ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट आता है तो हम लोग उसको केजीएफ के फॉर्म में लिखते हैं, और जीएफ उसका सीजीएस यूनिट होता है। तो एक केजीएफ में आपके 1000 जीएफ होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो बस किलोग्राम को आपने 1000 से रिप्लेस कर देना है किलो 1000 ग्राम से। और एक केजीएफ 10 न्यूटन के बराबर होता है। हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस करा है कि किस कौन से यूनिट की कितनी क्वांटिटी होती है, वो सीजीएस से कैसे डिपेंड करता है। 1 न्यूटन आपका 100 जीएफ के बराबर होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये नियरली का मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली होता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आपको बताई जाती है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे, प्रिसाइजली वैल्यू हमने आपको बताई थी इससे पहले, 1 केजीएफ इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। अब बात करते हैं द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट। थ्रस्ट के इफेक्ट क्या क्या होते हैं? द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच इज एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस एरिया पे थ्रस्ट लगता है तो ये डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना इफेक्ट ये देगा। जितना एरिया होता है उस हिसाब से थ्रस्ट की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। अगर एरिया ज़्यादा है तो थ्रस्ट कम भी हो सकता है, इस हिसाब से काम करता है ये। अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि वो एरिया पे डिपेंड करता है। स्मॉलर द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच अ थ्रस्ट एक्ट, लार्जर इज द इफेक्ट। अब जितना छोटा एरिया होगा उतना ज़्यादा थ्रस्ट आएगा। मैंने बताया ना एरिया पे डिपेंड करता है, तो जितना छोटा एरिया उतना ज़्यादा थ्रस्ट। बस द इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट इज लेस ऑन द लार्जर एरिया। अब जितना बड़ा एरिया होगा उतना कम थ्रस्ट। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया ज़्यादा है तो थ्रस्ट कम होगा, और एरिया कम है तो थ्रस्ट
ज़्यादा होगा। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ इसमें। इफ़ यू स्टैंड ऑन लूज सैंड योर फीट विल सिंक डीपली इन टू द सैंड, बट वेन यू लाई ऑन द सैंड योर बॉडी डज नॉट सिंक मच इन टू द सैंड। अगर आप सैंड के ऊपर पैर रख के खड़े होंगे, लूज सैंड है मतलब ओली मिट्टी जिसको बोलते हैं या दलदली मिट्टी है, तो वो अंदर आपका पैर अंदर घुसने लगेगा। और अगर लेट जाएं आप उसके ऊपर तो क्या होगा, केस बदल जाएगा, आपकी पूरी बॉडी अंदर नहीं जाएगी। दोनों केस में क्या है, इन बोथ द केसेस द थ्रस्ट एग्जिस्टेड ऑन द सैंड इज सेम। थ्रस्ट तो सेम ही लग रहा है, लेकिन अब क्या रीजन आ रहा है उसमें, द रीजन इज दैट व्हेन यू स्टैंड द थ्रस्ट एक्ट ऑन द स्मॉलर एरिया सो यू सिंक मोर इन द सैंड, एंड व्हेन यू लाई डाउन द सेम थ्रस्ट एक्ट ऑन द लार्जर एरिया सो यू सिंक लेस इन द सैंड। एरिया की बात है, अभी एरिया पर डिपेंड करता है। तो जब आप पैर रख के खड़े होंगे तो आपका एरिया जो आएगा वो एरिया होगा कम और थ्रस्ट हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए आपका पैर अंदर जाने लगेगा। अब अगर आप लाई डाउन हो जाएंगे या लेट जाएंगे तो आप ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, जब एरिया ज़्यादा कवर करेंगे तो क्या होगा, थ्रस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया पे। अगर एरिया बढ़ेगा तो थ्रस्ट कम होगा। आप इन एग्जांपल में भी देख सकते हैं, लड़का आपका बॉय स्टैंडिंग है तो ज़्यादा प्रेशर है, और बॉय लेट गया तो लेस प्रेशर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इफ़ यू हैमर अ नेल होल्डिंग इट विथ इट्स फ्लैट एंड रेस्टिंग ऑन द वुडन ब्लॉक, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द नेल इन टू द ब्लॉक, बट इफ़ यू हैमर द नेल होल्डिंग इज शार्प एंड रेस्टिंग ऑन द ब्लॉक द नेल पेनिट्रेट्स इन टू द ब्लॉक इजली, द रीजन इज दैट वेन द थ्रस्ट एक्ट ऑन द फ्लैटन एंड एंड द इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट इज स्मॉलर, बट वेन द सेम थ्रस्ट एक्ट ऑन द शार्पन एंड द इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट इज मोर। इससे पहले ही मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अभी आपको ये भी रीज़न पता चलेगा कि शार्प नेल क्यों दीवार के अंदर चली जाती है और ब्लंट नेल क्यों नहीं जाती। इसका रीज़न है थ्रस्ट यानी प्रेशर। जो शार्प नेल होती है उसका एरिया जो होता है वो बहुत कम होता है, वो दीवार पर कितना एरिया लेगी, बहुत ज़रा सा एरिया लेती है वो, जिसकी वजह से थ्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है तो वो अंदर जल्दी से पेनिट्रेट कर जाती है। और अगर ब्लंट है तो वो क्या होगा, वो एरिया ज़्यादा कवर करेगी तो जल्दी पेनिट्रेट नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर उसमें कम है, वो उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। तो एरिया पर डिपेंड करता है थ्रस्ट। आप देख सकते होंगे यहाँ पे कि ये जो एरिया है यहाँ पर का, ये एरिया बढ़ गया है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो एरिया कितना छोटा सा है, तो एरिया तो छोटा सा है तो शार्प एंड है तो जल्दी से पेनिट्रेट कर जाएगी, और यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी क्योंकि आप फ्लैट एंड से उसको ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। स्मॉल इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट इन एक्सपीरियंस इन टर्म ऑफ क्वान्टिटी कॉल्ड प्रेशर, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द क्वान्टिटी कॉल्ड थ्रस्ट। अब जो थ्रस्ट का इफेक्ट होता है उसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में करते हैं, तो प्रेशर के नाम से वो जाना जाता है। थ्रस्ट थ्रस्ट होता है उसको हम लोग प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं उस क्वांटिटी को, वो जो प्रेशर होता है जनरली वही आपका थ्रस्ट भी होता है। इन द सेंस मोटा मोटा आप ये समझे तो थ्रस्ट होता है वही आपका प्रेशर होता है। मोर द इफेक्ट ऑफ गिवन ऑन द थ्रस्ट ऑन द सर्फेस वी से डेट द थ्रस्ट एग्जिस्ट मोर प्रेशर ऑन द सर्फेस। अब जितना ज़्यादा थ्रस्ट होगा तो हम ये कह सकते हैं कि थ्रस्ट ज़्यादा है तो ये सर्फेस पे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, और जितना कम होगा तो हम कहेंगे कि लेस प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है सर्फेस के ऊपर। तो बेसिकली मोटा मोटा ये है कि जो थ्रस्ट होता है वही जनरली आपका प्रेशर कहलाता है। अगर थ्रस्ट किसी चीज़ पर लग रहा है तो बेसिकली क्या है कि प्रेशर उस चीज़ पर लग रहा है। द डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर, प्रेशर इज डिफाइंड एज अ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर को कैसे डिफाइन किया जाता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है। इसमें आप देख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, और प्रेशर को डिनोट किया जाता है पी से, प्रेशर इज डिनोटेड बाय पी। इफ थ्रस्ट एफ एक्ट ऑन द एरिया द प्रेशर इज पी। बेसिकली जो थ्रस्ट होता है वो आपका इफेक्ट होता है, किस चीज़ का इफेक्ट होता है, फोर्स का, जो आप फोर्स उसके ऊपर लगा रहे हैं, और उस इफेक्ट को हम एरिया के से मिला के जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो प्रेशर फॉर्म कर लेता है, वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर उसको बोला जाता है। तो जो आपका थ्रस्ट है, बेसिकली थ्रस्ट है क्या भाई, आपका वेट है, तो आपका वेट है तो बेसिकली क्या होगा, फोर्स होगा, उसका यूनिट तो फोर्स के बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा था थ्रस्ट का यूनिट फोर्स के बराबर होता है। तो जो आप फोर्स लगा रहे हैं बेसिकली वही आपका थ्रस्ट है, लेकिन अगर वो किसी एरिया पे लग रहा है तो वो क्या
काम करेगा वो एज अ प्रेशर काम करेगा। जो थ्रस्ट किसी एरिया पे जब लगता है तो एज अ प्रेशर काम करता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा, जो थ्रस्ट लग रहा है। प्रेशर आपका क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। वो फोर्स क्या है, फोर्स आपका थ्रस्ट है जो उस एरिया पे लग रहा है, उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। तो अभी हमने बताया कि एरिया पे डिपेंड करता है, अगर एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया छोटा होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर एरिया पे डिपेंड करता है। अब बात करेंगे यहाँ पे यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के यूनिट कौन कौन से होते हैं। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन आपने पढ़ा। एंड एरिया, एरिया का क्या होता है, मीटर। फॉर्मूला क्या था अभी हम लोगों ने पढ़ा भाई, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है, तो आपका फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या बना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट क्या हुआ आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप याद रखेंगे ये प्रेशर का यूनिट होता है। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं 1 पास्कल। तो प्रेशर का एक और यूनिट होता है, क्या होता है, पास्कल। वो किसके बराबर होता है, 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर mm, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंबल क्या होता है, N/m². आप जानते होंगे न्यूटन -2 भी लिख सकते हैं। द यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, इसी को हम लोग पास्कल ही बोलते हैं। इसका सिंबल होता है Pa। और ये किस साइंटिस्ट के नाम पे, ब्लेस पास्कल ने इसको डिस्कवर किया था, ये उनके नाम पे। 1 पास्कल इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ थ्रस्ट ऑफ 1 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ 1 m² 1 पास्कल क्या होता है, 1 न्यूटन थ्रस्ट 1 m² एरिया पे अगर लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 पास्कल। 1 पास्कल क्या होता है कि अगर 1 न्यूटन थ्रस्ट, यानी थ्रस्ट यानी फोर्स, अगर 1 m² एरिया पर लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 n/m², यानी या तो इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 n·m·2। द बिगेस्ट यूनिट ऑफ पास्कल इज किलो पास्कल। अब अगर हम पास्कल को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किलो पास्कल हो जाता है। 1 kPa इज इक्वल टू 1000 Pa, 1000 पास्कल। तो ये इसकी बिगर यूनिट होती है प्रेशर की। इफ़ द थ्रस्ट इज मेजर इन kgf एंड एरिया इज इन सेंटीमीटर। अब ये जो फोर्स अभी न्यूटन में आपने लिखा है कि, और अगर ये फोर्स किस में हो, kgf में हो, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आ जाए, और एरिया को हम लोग किस में मेजर करें, सेंटीमीटर में, मीटर है इसको सेंटीमीटर में करें, तो क्या यूनिट हो जाएगी, kgf सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको जनरली हम लोग ATM में मेजर करते हैं। तो 1 ATM किसके बराबर होता है, 76 mm ऑफ मर्करी कॉलम, यानी 1.03 × 10⁵ pascal। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेजरमेंट आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि एक एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं। तो 1.03 pascal आपको एक एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। एक एटमॉस्फेयर में कितने होते हैं, 1.013 × 10⁵ pascal, या फिर आप लिख सकते हैं 76 cm ऑफ मर्करी कॉलम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, कन्वर्जन में काम आती हैं, इन सबको आप याद रखिएगा। 1 kPa का मतलब क्या होता है, 1000 pascal होता है आपका। तो ये कुछ बेसिक यूनिट्स हैं पास्कल की। पास्कल की मेन यूनिट क्या होती है, वो प्रेशर की मेन यूनिट क्या होती है, आपका पास्कल होता है। और पास्कल को ही हम लोग लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर उसको आपको kgf में कन्वर्ट करना है तो kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं। यूनिट का कन्वर्जन आपको आना चाहिए। 1 मीटर में 100 cm होते हैं, आपको पता है इस बात को। और न्यूटन और kgf का कन्वर्जन मैंने आपको पहले बताया था, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 N होता है। तो आप इजली यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, बस आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए कि किस यूनिट की क्या वैल्यू होती है। 1 N आपका 9.8, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 N होता है आपका। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर, द प्रेशर ऑन इस सरफेस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स। पहली चीज़ तो एरिया, एरिया मैंने आपको बताया था। ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच थ्रस्ट एग्जिस्ट,
थ्रस्ट यानी फोर्स जो लग रही है किसी भी एरिया पे लग रही है, तो एरिया जितना बड़ा होगा उतनी कम फोर्स लगे, उतने कम प्रेशर होगा, तो उस पर डिपेंड करता है सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैग्नीट्यूड, अब जितना मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, अब कितना थ्रस्ट लग रहा है, कितनी फोर्स लग रही है उस पर भी डिपेंड करेगा ना। जैसे एरिया मान लेते हैं अगर कॉन्स्टेंट है, फोर्स आप बढ़ाते चले जा रहे हो तो प्रेशर भी तो बढ़ता चला जाएगा, तो ये प्रेशर और फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप बढ़ाएंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पहला पॉइंट इसमें क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं, डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर ऑन द एरिया ऑफ सरफेस। व्हेन यू स्टैंड ऑन द सैंड, अ थ्रस्ट इक्वल टू योर वेट एक्ट ऑन द स्मॉलर एरिया एंड सो एग्जर्ट मोर प्रेशर ऑन सैंड, हेंस यू सिंक मोर। बट व्हेन यू लाई डाउन ऑन द सैंड, द सेम थ्रस्ट एक्ट ऑन द लार्जर एरिया सो एग्जर्ट लेस प्रेशर, हेंस यू सिंक लेस। अभी ये डिस्कस मैं कर चुका हूँ उससे पहले भी कि अगर आप सैंड के ऊपर खड़े हुए हैं तो आप कम एरिया कवर कर रहे हैं, तो जब आप एरिया कम कवर करेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया पे, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर, तो आप सैंड के अंदर धंसने लगेंगे। अगर आप सैंड पे लेट जाएँ तो आप ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, जब आप ज़्यादा एरिया कवर करेंगे तो प्रेशर कम एग्जर्ट करेंगे सैंड के ऊपर, तो सैंड अंदर आप नहीं धंसेंगे। सिमिलरली अभी जो बात करी थी हम लोगों ने, यू हैमर अ नेल विद इट फ्लैटेंड एंड एंड रेस्टिंग ऑन अ वुडन ब्लॉक एंड थर्स एग्जर्टेड बाई यू एक्ट ऑन द लार्जर एरिया सो लेस प्रेशर एक्ट ऑन द नेल एंड इट डज नॉट गो इन टू द ब्लॉक। बट वेन यू हैमर द नेल विद शार्प एंड रेसिस्टिंग ऑन द ब्लॉक, द सेम थ्रस्ट एक्ट ऑन द स्मॉलर एरिया सो मोर प्रेशर एक्ट ऑन द नेल एंड हैंस इट इजली पेनिट्रेट इन टू द ब्लॉक। अभी जो हैमर से हम लोग जब नेल ठोक रहे थे, अगर हम शार्प एंड से ठोकते हैं तो वो कम एरिया कवर करता है, जिससे क्या होता है उस पर प्रेशर ज़्यादा लगता है तो ब्लॉक के अंदर चला जाता है। अगर उसको हम लोग ब्लंट एंड से दीवार पे या ब्लॉक पे ठोकने की कोशिश करेंगे तो वो एरिया ज़्यादा कवर करेगा, तो वो नेल ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगी आप जितना भी ठोकेंगे। इसमें यहाँ पे एक फिगर दिया है, फिगर 3.5 आपको दिखा रहा है, एरिया का एग्जांपल शोज अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, 10 kg का ब्लॉक है ये, डायमेंशन इसका दे रखा है आपका 40 सेंटीमीटर लेंथ है, 20 विड्थ है और इसकी 10 हाइट है, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 हाइट, लाइंग ऑन द टेबल टॉप ऑन इट्स साइड 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब ये इस तरह है रखा हुआ है कि 40 और 20 सेंटीमीटर जो इसकी साइड्स हैं वो एरिया कवर कर रही हैं, तो थ्रस्ट एग्जर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक। अब जो इस पे थ्रस्ट लग रहा है वो किसके बराबर है, जो वेट है ब्लॉक का उस वेट के बराबर, वेट इसका कितना है 10 kgf है, तो ये वेट लग रहा है, तो ये थ्रस्ट जो फोर्स लग रहा है वो उसके वेट के बराबर है, इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट इज 10 kgf। थ्रस्ट द स्ट्रेस एक्ट ऑन द एरिया, अब एरिया कितना है जिस पे थ्रस्ट एक्ट कर रहा है, एरिया क्या निकलेगा 40 × 20, 40 लेंथ है, ब्रेथ कितनी 20, तो 40 × 20 जब आप करेंगे 800 cm² आपका एरिया निकल आया। प्रेशर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट दिया है kgf में तो kgf में रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, और 800 cm² एरिया आपका आ रहा है तो कितना आ गया 0.0125 kgf cm², ये आपका आया प्रेशर, इतना प्रेशर लग रहा है। अब अगर आप ब्लॉक को घुमा दें, ब्लॉक को टर्न कर दें और 20 × 10, अब एरिया क्या हो गया, अब 20 × 10 अब एरिया हो जाएगा 20 × 10, ब्लॉक चेंज हो गया और 40 सेंटीमीटर उसकी हाइट कर दी, अब जो सरफेस एरिया है जिसपे वेट लग रहा है वो कितना हो गया 20 × 10, तो कितना हो गया 200 सेंटीमीटर का सरफेस एरिया हो गया, और वो वेट तो उतना ही रहेगा, वेट चेंज नहीं होगा, वेट आपका 10 kgf है, तो अब फॉर्मूला लगाया प्रेशर का, 10 kgf रखा और 200 cm, तो 0.05 kgf cm आया, तो आपको दो प्रेशर मिले सरफेस एरिया में, एक P1 की वैल्यू आई आपकी 0.0125 और P2 की वैल्यू आई 0.05। अब कौन ज़्यादा है, जिसका एरिया कम है, जिसका एरिया कम है किसका एरिया कम है, इसका एरिया कम है ना, 200 × 10 यानी 20 × 10 है तो 200 है इसका एरिया, इसका एरिया 800 है, तो जिसका एरिया कम होता है उसका प्रेशर ज़्यादा आता है, इससे भी प्रूव होता है ये, और यही आपका फॉर्मूला भी बताता है कि एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। आई होप सो आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश की जाएगी आपको दोबारा समझाने की। अब हम आगे बढ़ते हैं, थस द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ बॉडी
डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑन विच द थ्रस्ट ऑफ द बॉडी एक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रेशर, जो कोई बॉडी जो भी प्रेशर लगाती है वो उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, कितना सरफेस एरिया है उस पर उसका प्रेशर डिपेंड करता है, उसी पे डिपेंड करता है। स्मॉलर द सरफेस एरिया मोर इज द प्रेशर। अब कम होगा सरफेस एरिया तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और लार्जर द सरफेस एरिया तो स्मॉलर द प्रेशर। लेकिन थ्रस्ट दोनों में सेम है क्योंकि वेट तो उसका सेम ही है ना, फोर्स सेम लग रही है, लेकिन फिर भी जो आपका प्रेशर है वो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बदल रहा है। अब इसको इन्हीं ने एक एक्टिविटी करके भी डिमॉन्स्ट्रेट करा है कि आप ये दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब एक्टिविटी क्या है हम लोग ये देखते हैं। पहली एक्टिविटी है पुश अ शार्प पिन इनटू अ पीस ऑफ वुड एज शोन इन फिगर। आप अगर कर सकते हैं तो, अगर आपके पास घर पर लकड़ी का टुकड़ा हो तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा या थर्माकोल का टुकड़ा आप लें और एक नेल ले लें और उसको अपने थंब से पुश करने की कोशिश करें। नाउ ट्राई टू पुश अ नेल विद योर थंब इनटू द वुड। यू विल नॉट बी एबल टू पुश द नेल इनटू द वुड। इनटू द नेल इनटू द वुड बट यू विल बी एबल टू पुश द पिन इनटू द वुड। इनटू द वुड बट यू विल एबल टू पुश द पिन इनटू द वुड। तो आप एक नेल लें और एक पिन लें, दो चीज़ें लें। आप पिन जब लेंगे तो पिन को जब अपने थंब से करने की कोशिश करेंगे तो पिन आपसे आराम से चली जाएगी। अगर आपने नेल लेंगे तो नेल आपके थंब से नहीं जाएगी। रीज़न क्या है? पिन जो है वो पतली होती है, वो कम सरफेस एरिया लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है प्रेशर ज़्यादा होता है। अंगूठा आप रख रहे हैं तो आपने प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट किया तो वो अंदर चली जाएगी। और नेल क्या है? नेल थोड़ी मोटी होती है तो ज़्यादा सरफेस एरिया लेती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा तभी वो अंदर जाएगा। उसके लिए आप हैमर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने, आप हाथ से नहीं कर सकते नेल को, क्योंकि थ्रस्ट तो आपका उतना ही है, प्रेशर की बात है क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो आपको हैमर की ज़रूरत पड़ती है। ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। प्रेशर इंक्रीजेज वन एरिया डिक्रीजेज एंड फोर्स इंक्रीजेज।